इस बीच कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के एक बार फिर जनमत संग्रह कराने की मांग पर भारत ने सख्ती दिखाई। वहां रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने अगले महीने 29 अक्टूबर को फिर से जनमत संग्रह कराने का ऐलान कर दिया, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि कनाडा में अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। दो दिन पहले प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़े खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में एक गुरुद्वारे में जनमत संग्रह करवाया था। इतना ही नहीं, इस संगठन ने 29 अक्टूबर को एक और जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा की सरकार से इस पर कड़ी आपत्ति जताई। दो दिन पहले जब कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने जनमत संग्रह कराया, उस दिन वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद थे और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सामने भारत के खिलाफ कनाडा में बैठे खालिस्तान समर्थकों का मुद्दा भी उठाया था। इधर G20 सम्मेलन के बाद दो दिन तक भारत में फंसे रहे कनाडा के पीएम की उनके अपने ही देश में किरकिरी होगी। G20 समिट खत्म होने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को रविवार को वापस कनाडा जाना था, मगर उनके विमान में ऐसी तकनीकी खराबी आई कि वो तय वक्त पर उड़ान ही नहीं भर पाए और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को दो दिन तक दिल्ली में ही रुकना पड़ा। इस बात को कनाडा के विपक्ष ने मुद्दा बना लिया और जस्टिन ट्रूडो को जमकर घेरा। वहां की कंजर्वेटिव पार्टी ने इस खबर का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ट्रूडो की सर्कस का शो भारत में ठप पड़ गया। जस्टिन ट्रूडो के विरोधी और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पोलियव ने भी उन्हें आड़े हाथ लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रूडो को भी उड़ानों की वैसी ही देरी का सामना करना पड़ा जिससे कनाडा के आम लोग दोचार होते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शुक्रवार को G20 समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। सम्मेलन खत्म होने के बाद उन्हें रविवार को कनाडा लौटना था, मगर उनका विमान खराब हो गया जिसकी वजह से वो दो दिन तक दिल्ली में ही फंसे रहे और दोपहर में जाकर उनका विमान उड़ान भर पाया। जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जिस एयरबस 310-300 विमान से सफर करते हैं, कभी उसे उड़ता ताजमहल कहा जाता था, मगर अब वो विमान कबाड़ बनता जा रहा है क्योंकि उस एयरबस 310-300 विमान को सर्विस में 34 साल बीत चुके हैं और अब उसमें बार बार दिक्कतें आ रही हैं। 2016 में जब कनाडा के पीएम बेल्जियम जा रहे थे, तब भी उनके इस हवाई जहाज में खराबी आ गई थी। इस वजह से उन्हें टेक ऑफ करने के आधे घंटे बाद ही कनाडा की राजधानी लौटना पड़ा था। 2018 में भी जस्टिन ट्रूडो के इसी एयरबेस 310-300 प्लेन से भारत आते वक्त परेशानी आई थी, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री की सवारी एयरबस 310-300 प्लेन को 1990 के दशक में तब के विपक्ष के एक नेता ने उड़ता ताजमहल नाम दिया था, क्योंकि विमान के इंटीरियर को अपग्रेड कर एकदम शाही कर दिया गया था। इस बीच भारत में हुई G20 बैठक के सफल आयोजन से लंदन में बैठे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ झुंझला उठे। उन्होंने दावा किया कि अगर 2017 में उन्हें सत्ता से बेदखल न किया गया होता तो पाकिस्तान भी G20 का सदस्य देश बन जाता, और उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि अगर उनकी नीतियों पर अमल किया जाता तो इस बार का G20 सम्मेलन भारत के बजाय पाकिस्तान में होता। 2017 का तसल्लुक रहता ना, ये G20 पाकिस्तान में होता। इस दौरान उन्होंने भारत में हुई G20 बैठक पर भी अपनी झुंझलाहट दिखाई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बैठक में दुनिया के तमाम देश थे, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र किसी ने नहीं किया, जिसके बाद नवाज शरीफ बौखला गए और उन्होंने इसका ठीकरा इमरान खान पर फोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार की कई योजनाएं इमरान खान ने बंद करवा दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान G20 का सदस्य बनने से चूक गया।